दोस्तों आज की तारीख में रुपे क्रेडिट कार्ड के पता नहीं बाढ़ से आ गई। हर जो कंपनी है वो धीरे धीरे अपने रुपे सेगमेंट में जो है वो क्रेडिट कार्ड धीरे धीरे जो है वो लॉन्च करने जा रही है। और इसी बीच में ICICI का कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड भी जो है वो लॉन्च हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड की, इसमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसको आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्या आप इस कार्ड को ले पाएंगे या डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ हम ICICI रुपे क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज भी जानेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि वो सारी चीज़ें जो बैंक ज़्यादातर हिडन रखती हैं। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल्थ की केयर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि चूंकि यहाँ पर दो मोड यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भाई ICICI का कोरल का जो एक क्रेडिट कार्ड है रुपे क्रेडिट कार्ड ये आपको मिलेगा कैसे। दो मोड है, पहला मोड तो ये है कि बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास में इनका सेविंग अकाउंट है ICICI का या क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड में स्पेशली अगर कोरल क्रेडिट कार्ड है तो डायरेक्टली आप इनकी जो एप्लीकेशन है ICICI की आई मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पर आप जाने के बाद में क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाकर ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये वाले क्रेडिट कार्ड में जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको नॉर्मली 500 प्लस GST जो ऑलरेडी आप दे रहे हैं वो दिखेगा, लेकिन उसके बाद में आपको एक अलग से वर्जन जो है वो दिखाई देगा सेम वही ICICI कोरल, लेकिन वो रुपए क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो किसी तरीके के चार्जेस नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर लिखा होगा नील। अब ये नील क्यों है, क्योंकि आप जो क्रेडिट कार्ड है पुराना वही क्रेडिट कार्ड जो है वो उसी के बिहार पर आपको ये नया वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जो कि 80-90% अप्रूव्ड होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं क्योंकि आप पुराने कस्टमर हैं। अब यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर आप नॉर्मली आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं, डिटेल्स फिल करने के बाद में अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के 24 आवर्स में ही आपको एक वर्चुअल जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है 24 आवर्स में, और 7-10 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके घर पर आ जाता है। इसमें कोई भी आपको एनुअल चार्ज नहीं लगता, कोई भी आपको ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल ये फ्री है, और ना ही सीधी सी बात है कि आपको इसमें किसी भी तरीके का रिन्यूअल चार्ज भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें कि इसमें लिमिट क्या मिलती है, लिमिट वही मिलेगी, सपोज अगर आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट वो वाले कार्ड की है तो ये वाली कार्ड की जो है वो 1 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन ये दोनों कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे मोड की कि भैया आप तो ICICI के कस्टमर ही नहीं है तो ये फिर आपको मिलेगा कैसे। इस कंडीशन में जो है वो डायरेक्टली मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर लिंक पर जाकर आपको दूसरा जो है वो क्रेडिट कार्ड जैसे परचेस कर सकते हैं, जैसे ICICI का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, आप वो वाला कार्ड लीजिए, डायरेक्टली लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पर जाने के बाद में आप कुछ समय के बाद में इस कार्ड को जो है अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कोरल क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं ये वाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 500 प्लस GST ज्वाइनिंग चार्ज पे प्लस 500 प्लस GST एनुअल चार्जेस आपको देने होते हैं, तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा लगेगा अगर आप नए कस्टमर हैं तो। अब 150 यानी 1,50,000 रुपये हर साल में अगर आप इसका स्पेंड करते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से तो ये जो चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ भी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ICICI कोरल क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक पहला बेनिफिट तो ये मिलता है, चूँकि ये रुपे क्रेडिट कार्ड है तो रुपे क्रेडिट कार्ड में आपको जो है वो UPI से आप लिंक कर सकते हैं। अब ये जो UPI से आप लिंक करेंगे, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, ICICI की ये वाली जो मोबाइल की एप्लीकेशन है तो भीम से कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन ये इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई सा भी रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं इस लालच में कि हमको फलाने व्यक्ति को पैसे देने हैं और हम उसको बकायदा UPI है उसका एक QR कोड लेंगे और उसको बकायदा सेंड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये अपने दिमाग में अगर चीज़ें रख कर अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड, तो आप एक क्रेडिट कार्ड ना लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट के जो अगर इनका जो मर्चेंट के जो कोड रहते हैं वहीं पर ही स्कैन होगा और उसका ही आप बेनिफिट ले पाएंगे। अलग से आप अगर मान के चलिए कि आप किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को उसका QR कोड बुला के अगर आप स्कैन करें तो ये नहीं होने वाला, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी अगर आप स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपये के स्पेंड पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा सपोज अगर ऑनलाइन ऑफलाइन के अलावा जो बच्चे को जैसे मान के चलो यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आपने ली है, तो उस पर आपको हर 100 रुपये पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कभी भी, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, चाहे वो रेंट पेमेंट करते हैं,
वाउचर अपलोड करते हैं ना, कोई कहीं अगर आपका मान के चले जो भी वॉलेट है अगर आप उसको अपलोड करते हैं या गिफ्ट कार्ड परचेस करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और एक और चीज़, अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से या कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, स्पेशली अगर मैं अभी किस क्रेडिट कार्ड की बात करूँ, अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट करने पर आपको 1% चार्ज इस क्रेडिट कार्ड का लगता है, प्लस जिस भी आप मोड से कर रहे हैं, सपोज क्रेडिट ऐप से कर रहे हैं, व्हाटएवर मोबीक्विक से कर रहे हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म का चार्ज लगता है वो अलग से ही आपको देना होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सपोज अगर आपको मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो बिल्कुल आपके लिए बुक माई शो या आप आइनोक्स जो भी इनकी एप्लीकेशन रहती है वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद में अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड से अगर आप जो है वो टिकट बुक करते हैं तो हर टिकट बुक करने पर यानी पर ट्रांजेक्शन पर आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये जो 25% का जो डिस्काउंट है वो आप 100 रुपये तक मैक्सिमम ले सकते हैं एक बार के ट्रांजेक्शन में, यानी आपको दो अलग अलग बार महीने में दो बार आप आइनोक्स से भी बुक कर सकते हैं और बुक माई शो, यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 400 रुपये जो है वो आपको इसमें डिस्काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलेगा, अब ये जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है ये 400 से 4000 के ट्रांजेक्शन के बीच में करेंगे और 250 रुपीज़ आपको पर कैलेंडर साइकिल जो है वो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको कि जब भी आप पेट्रोल डलवाएं, आपको लगता होगा कि नहीं यार आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर में तो 1% डिस्काउंट मिल रहा है, 250 रुपये बहुत मिल रहा है, लेकिन पहले आप ध्यान रखिए 100, 200, 300 का पेट्रोल अगर आप डलवा रहे हैं तो आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप जब भी पेट्रोल डलवाइए 400 से 4000 की रेंज में ही पेट्रोल डलवाइए, तभी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये इस क्रेडिट कार्ड का नहीं है, ये मैक्सिमम हर क्रेडिट कार्ड की कंडीशन होती है। कभी कभार हमको लगता है कि बाइक में आपने पेट्रोल डलवा लिया 200 रुपये का फ्यूल सरचार्ज, ऐसा नहीं है भैया। तो आप सोच समझ के ही अपना जो है वो क्रेडिट कार्ड के पहले देख लीजिए कि क्या आपको फ्यूल सरचार्ज पे क्या लिमिट दी गई है। दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी जो है वहाँ पर कंपनी ने दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी जो है वो आपको डोमेस्टिक लेवल पर देखने को मिलेगा, हालांकि ये हर क्वार्टर में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि जो 3 महीने में आप एक बार ले भी रहे ना तो आपका कम से कम, जैसे आप अगले महीने लाभ ले रहे हैं तो उसके पिछले वाले महीने में 5000 रुपए का आपका इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड होना चाहिए, तभी आपको ये एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिलेगा। रेलवे लॉन्च का भी एक्सेस भी आपको हर क्वार्टर में एक बार आपको देखने को इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, सपोज अगर आपने मान के चले कि आपने इसके ATM से पैसे निकाले तो 2.5% या 500 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो चार्ज लगेगा। 1000 रुपये भी निकालेंगे, ज़्यादा क्या है 500, तो 500 रुपये चार्ज लगेंगे। ध्यान रखें कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ATM से पैसे ना निकालें, हो सकता है आपके दूसरे सोर्स से निकालिए लेकिन ATM से पैसे ना निकालेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो बिल जनरेट होने के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आपका बिल है वो पूरा टाइम टू टाइम पेमेंट करें, और अगर टाइम पे टाइम पेमेंट नहीं किया तो इसमें 2 चार्ज लगेंगे। पहला लेट पेमेंट चार्ज लगेगा, लेट पेमेंट चार्ज का जो है वो मैंने साइड में दे रखा है, आप ये देख सकते हैं कि क्या लेट चार्ज लगता है आपको। दूसरा चार्ज आपको लगता है जो भी बचा हुआ जो भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज भी लगेगा। अब ये इंटरेस्ट चार्ज तो ये 3.40% लगता है, अब सोचिए 3.40, अब इसमें 18% GST है, हालांकि वो बैंक के पास में नहीं जाता लेकिन जेब से आपके जरूर जाता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन गिराने के लिए भी बहुत ख़राब चीज़ यही है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी ख़राब सिचुएशन में हो आप हमेशा क्रेडिट कार्ड का बहुत ही सही तरीके से यूज़ कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके पास में ये वाला क्रेडिट कार्ड है और आपको मिल चुका है, आप लाभ ले रहे हैं, इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर देखिए, अगर आप सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम से ही अगर आपको लगता है कि यार मेरे ट्रांजेक्शन जो है वो UPI के लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको चाहिए 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट आपको जो मिलते हैं, हालांकि 1 पॉइंट जो है उसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो होती है 25 पैसे, यानी कि अगर सपोज़ अगर आपने 100 रुपये का कहीं पे भी अगर आपने ट्रांजेक्शन किया, चाहे वो ऑनलाइन किया है चाहे वो ऑफलाइन किया है, तो उस कंडीशन में है आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं और ये 2 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 50 पैसे, यानी हर 100 रुपये पर आपको 50 पैसे का डिस्काउंट जो वो देखने को मिलता है एक तरीके से अगर हम बात करें। और अगर आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको 0.25% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, तो ये एक मोटा मोटी बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करें क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए, देखिए अगर फ्री में लाइफ टाइम मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुराने कस्टमर हैं। नए कस्टमर की अगर बात करूँ, सिर्फ रुपए कार्ड के अगर आप वेरियंट में जाना चाह रहे हैं
तो फिर मैं यहाँ पर आपको HDFC का न्यू क्रेडिट कार्ड जो है वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस कार्ड के कंपेरिजन में वहाँ पर आपको ज्यादा डिस्काउंट और बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर हम दोस्तों बात करें, खैर ICICI में आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि एयरपोर्ट का लॉन्च एक्सेस, आपको दूसरी चीज़ें भी अच्छी थोड़ी सी देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर आपकी यूजेज ज़्यादा है तो HDFC तरफ जाइए, और यूजेज कम है तो बिल्कुल आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप पुराने कस्टमर हैं, नए कस्टमर के लिए मैंने बताया कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दूसरा कार्ड ले सकते हैं। उस दूसरे कार्ड को अलावा आप ये वाला भी जो कार्ड अगर आप लेते हैं तो 500 प्लस GST आपको चार्ज देना होगा। बाकी की अगर कुछ भी राय है, कुछ भी सजेशन है, ये कुछ भी आपके विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा, और अगर आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं या आपने अप्लाई कर दिया है तो वो भी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार देना ना भूलेगा। मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।